नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरी नई वीडियो में और आप देख रहे हैं टेक्नो टेक क्राफ्ट। तो यार इस बार मेरा जो कॉलर माइक था वो हो गया खराब, तो इसकी वजह से मुझे ऐसे वीडियो हाथ में लेके फोन को बनानी पड़ रही है। बट कोई नहीं, हम उसको ठीक फिक्स कर लेंगे, नेक्स्ट टाइम ध्यान रखेंगे इस चीज का। तो आज शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले आपको बताता हूँ आज की वीडियो में बनाया क्या है। तो उसको आज मैंने बनाई एक साउंड बार, जैसे कि आप देखोगे बड़े बड़े टीवी सेट आते हैं उनके साथ में एक साउंड बार आती है, तो उसकी जो ऑडियो क्वालिटी होती है वो काफी ज्यादा खतरनाक होती है। और जो मैंने साउंड बार बनाई है दोस्तों, उसकी भी ऑडियो क्वालिटी बहुत ही अच्छी है और वो ब्लूटूथ है, जिसको आप अपने फोन से कनेक्ट कर सकते हैं और इजीली यूज कर सकते हैं मूवीज वगैरह देखने के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको वो साउंड बार दिखा देता हूँ किस तरह की वो दिख। तो दोस्तों ये है वो साउंड बार, जैसे आप देख सकते हैं किस तरीके से चार स्पीकर दोस्तों मैंने लगाए हैं। चारों स्पीकर 3-3 वाट के हैं, 4 ओम के स्पीकर हैं दोस्तों ये, और काफी अच्छी इसकी बिल्ट आई है, जैसे आप देख सकते हैं एकदम सील्ड पैक ही दोस्तों साउंड बार। और उसका जो बेस है दोस्तों काफी ज्यादा खतरनाक बेस है। तो ज्यादा टाइम आपका आने देते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को दोस्तों कर देना अपने दोस्तों के साथ शेयर, ताकि वो भी नई नई चीजें बनाना सीख सके। और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं किस तरीके से ये काम करता है। तो सबसे पहले मैंने अपने फोन के साथ इसको कनेक्ट कर लिया था, आपको ब्लूटूथ ऑन करके सिंपली कनेक्ट कर लेना है। तो चलिए अब आप देख लीजिए। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं इसको बनाने के लिए आपको क्या क्या सामान लगने वाला है। तो मैंने यहाँ पे लिए हैं दोस्तों 2 एम्पलीफायर, ये 5 वोल्ट के एम्पलीफायर है दोस्तों। और आपको चाहिए दोस्तों एक लिथियम आयन सेल चार्जर, एक हमारा ब्लूटूथ मॉड्यूल चिप, और दोस्तों हमें एक ऑन ऑफ स्विच भी चाहिएगा ऑन ऑफ करने के लिए, और कुछ बैटरी सेल्स। तो इन सब का बाइंग लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहे तो वहां से परचेज कर सकते हैं दोस्तों। इसके बाद हमको चाहिए स्पीकर्स। मैंने यहाँ पे 4 स्पीकर यूज़ कर रहा हूँ, 4 ओम्स 3 वाट के, काफ़ी अच्छा आउटपुट है दोस्तों इनका। तो दोस्तों इसका जो कंसोल है मैंने पहले ही बना लिया था, इसकी जो बॉडी थी स्पीकर की, आप चाहे तो यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं किस तरीके से स्पीकर की बॉडी बना सकते हैं। मैं नहीं चाहता कि आपका टाइम वेस्ट हो, इसलिए मैंने इसको पहले ही बना लिया था। तो चलिए हम इसमें फिट कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसके स्क्रू खोल लेंगे पीछे से। दोस्तों ये इलेक्ट्रिक स्क्रू ड्राइवर मैंने अपनी पिछली वीडियो में बनाया था, आप चाहे तो इसकी वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों ये खुल गया है दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने इसमें यहाँ पर एक रबर कोटिंग इसके एजेस पर कर दी थी, ताकि हमारा जो स्पीकर है वो एकदम सील्ड हो जाए, साउंड प्रूफ एकदम अंदर से, ताकि अच्छा बेस आए। अब दोस्तों हम सभी स्पीकर्स पर हम अपने वायर जो है सोल्डर कर लेंगे। दोस्तों मैं शोल्डरिंग आपको इसलिए नहीं दिखाता हूँ क्योंकि शोल्डरिंग के ऊपर मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ, आप चाहे तो वाली वीडियो देख सकते हैं। तो अभी हम सभी स्पीकर्स को हमारी इस कैबिनेट के अंदर फिट कर देंगे। तो इसको फिट करने के लिए दोस्तों मैं यहाँ पर एक सॉल्यूशन इस्तेमाल करूँगा, तो वो आपको अभी दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले हम इन दोनों स्पीकर्स के अंदर इसके अंदर फिट कर देंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कितने अच्छे दोस्तों फिट आए हैं इसके अंदर। अभी हम ऊपर से इसके ऊपर सॉल्यूशन लगा के इसको परमानेंट कर देंगे। तो दोस्तों मैं ये सॉल्यूशन यूज़ कर रहा हूँ, आप चाहें तो सुपर ग्लू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसको अच्छे तरीके से इसके एजेस पर लगाना है। तो जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ जिस तरीके से देख सकते हैं इसके काफ़ी अच्छे तरीके से लग चुका है, और मैंने इसको सूखने के लिए रख दिया था, तो अब ये अच्छे तरीके से फिक्स हो चुका है। दोस्तों इसी तरीके से आपको दूसरे स्पीकर्स भी इसके ऊपर लगा लेने हैं। दोस्तों ग्लू लगाते हुए आपको कंजूसी नहीं करनी है बिल्कुल भी, अच्छे तरीके से ग्लू लगाइए वरना आपके स्पीकर्स हट सकते हैं अगर आप कम ग्लू लगाएंगे तो। तो अभी हम इसको भी इसके अंदर फिट कर देते हैं। तो हमारे चारों स्पीकर दोस्तों इस तरीके से हम यहाँ पर चिपका लेंगे अपनी बॉडी के साथ। दोस्तों आप चाहे तो इस पर स्क्रू भी लगा सकते हैं अपने स्पीकर्स में, बट मैंने इसको ऐसे ही लगा दिया है अभी। तो चलिए देख लेते हैं अभी अपने एम्पलीफायर को किस तरीके से कनेक्ट करना है। तो दोस्तों सर्किट डायग्राम तो मैं आपका इस वीडियो में दे दूंगा, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा ईजी सर्किट डायग्राम है, बस आपको वीडियो पूरी देखनी है, बिल्कुल भी स्किप मत करना वरना आप उसको मिस कर जाएंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने आप अपने दोनों एम्पलीफायर को कनेक्ट कर लिया है दोस्तों, मैं इसमें पैरेलल कनेक्ट कर लिया है इनको। ये हमारे पावर सप्लाई के वायर्स हैं और ये हमारे लेफ्ट राइट और ग्राउंड। तो दोस्तों लेफ्ट राइट और ग्राउंड तो हमको ब्लूटूथ मॉड्यूल से लेने हैं, इसके ऊपर मेंशन होता है, लिखा होता है लेफ्ट राइट एंड ग्राउंड और VCC और ग्राउंड। तो इसके जैसे कि आप देख सकते हैं कनेक्शन कुछ इस तरीके से कर लेने हैं। तो मैं सोल्डरिंग कर देता हूँ यहाँ पर।
तो सारे वायर्स यहाँ दोस्तों लग चुके हैं। अभी हम बात करते हैं अपने स्पीकर्स के आउटपुट की। तो दोस्तों एक एम्पलीफायर दो स्पीकर्स को आराम से चला सकता है, और हमने यहाँ पे चार स्पीकर्स इस्तेमाल किए हैं, इसलिए दोस्तों हम यहाँ पे दो एम्पलीफायर यूज़ कर रहे हैं। तो हम अपने स्पीकर्स को अपने एम्पलीफायर के साथ कनेक्ट कर लेंगे दोस्तों, कुछ इस तरीके से एम्पलीफायर कनेक्ट हो जाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर सारे कनेक्शंस कर दिए हैं अपने स्पीकर्स के एम्पलीफायर के साथ। और दोस्तों अभी हम बात कर लेते हैं हमारे बैटरी की, हमको इसमें बैटरी से हम कुछ चलाने वाले हैं और इसका चार्जिंग मॉड्यूल। तो कुछ इस तरीके से कनेक्शन होंगे इसके चार्जिंग मॉड्यूल के साथ। दोस्तों अभी हम बैटरी को इसके अंदर फिक्स कर देते हैं। तो मैं इसको चिपकाने के लिए यहाँ पर सुपर ग्लू का इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप चाहें तो हॉट ग्लू गन से भी चिपका सकते हैं। तो दोस्तों सारे कनेक्शंस मैंने कर दिए हैं, और ये रहा सर्किट डायग्राम, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा एम्पलीफायर बिल्कुल अच्छे तरीके से काम कर रहा है। जो हमारा साउंड बार है दोस्तों वो लगभग कंप्लीट हो चुका है। अभी हम इसके पीछे वाला जो पैनल है दोस्तों उसको लगा देंगे, बट उससे पहले हम यहाँ पे सारे मॉड्यूल्स को चिपका देंगे ताकि इसके स्पीकर्स के अंदर हिले ना। और दोस्तों इसके हमारे चार्जिंग के लिए मैंने यहाँ पे पहले होल कर लिया था, तो अपने चार्जिंग मॉड्यूल इस तरीके से कुछ बाहर निकाल लेंगे। तो मैंने यहाँ पर सारे मॉड्यूल्स को दोस्तों सुपर ग्लू की मदद से यहाँ पे चिपका दिया है हमारे बोर्ड के साथ, और अभी हम पीछे का जो इसका पैनल है दोस्तों इसको बंद कर देंगे। तो इसको बंद करने के लिए दोस्तों मैं यहाँ पर जिप्सन पेज का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो दोस्तों जैसे कि देख सकते हैं ये पूरा हमारा तैयार हो चुका है। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।